छत्तीसगढ़ में ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। राइस मिलर्स घोटाला मामले में गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने आरोपी रोशन चंद्राकर को गिरफ्तार किया है। राइस मिलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मार्क फेड के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज सोनी कुछ दिन पहले गिरफ्तार हुए थे और अब कोषाध्यक्ष राइस मिलर्स एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर भी गिरफ्तार कर लिए गए। और कुछ ही देर में हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और ज्यादा अपडेट हम आपको बताएंगे क्या कुछ इस मामले में हुआ है। तो बड़ी कार्रवाई आपको बता दें, ईडी ने एक और बड़ा एक्शन किया है। राइस मिलर्स घोटाला, इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने आरोपी रोशन चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया है। राइस मिलर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर, इससे कुछ देर पहले मार्क फेड के जो पूर्व डायरेक्टर थे, पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज सोनी, वो कुछ दिन पहले गिरफ्तार किए गए थे। सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? देखिए, इस वक्त में बड़ी खबर कही जा सकती है केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जिस वजह से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अब इस मामले में आगे विस्तार से पूछताछ की जा रही है और विशेष तौर पर जब जांच एजेंसी के द्वारा यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से को अंजाम दिया गया था और किस तरह से इन आरोपियों की भूमिका रही है, जिस तरह से मनी इस आरोपी की भूमिका निकल के सामने आई थी, तो इस मामले में इससे विस्तार से पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद कल देर रात में इसे इसकी औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की गई। लेकिन आज दिन में हम लोगों को इस मामले में हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने कंफर्म किया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिस तरह से चंद्राकर की अगर बात करें तो चंद्राकर से अब इस मामले में कई अन्य आरोपियों के बारे में भी पूछताछ की गई, तो कई अन्य अधिकारी भी अब जांच के रडार पे आ चुके हैं। हालांकि इस मामले में पिछले कुछ दिनों पहले ही एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी, जब उनसे इस मामले में पूछताछ की गई और कई अन्य लोकेशन पर जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था तो उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगाला गया था, कई जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उसको जब्त किया गया था और उसी से जो तमाम जो इनपुट्स निकल के आए उसके आधार पर इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर बिलासपुर में कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें, हत्या के आरोपियों का अब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पाराघाट टोल प्लाजा पर गेट तोड़कर आरोपी जो है वो भागते नजर आ रहे हैं। तेज रफ्तार कार से आरोपी भागते नजर आ रहे हैं। इसमें मनीष राठौर भी नजर आता है जो इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी जिसे बनाया गया है। आपको बता दें कांग्रेस के नेता विक्रम बैस की गोली मारकर हत्या हुई थी और इस मामले में मनीष राठौर मुख्य आरोपी है। बिलासपुर से सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, पूरा घटनाक्रम और क्या इस सुराग के बाद पुलिस के पास कोई ठोस एक्शन? देखिए, कांग्रेस नेता की हत्या के बाद जो आरोपी है वो फरार चल रहे थे। वो कुछ जो आरोपी थे वो दुर्ग से पकड़े गए और कुछ जो आरोपी है वो रायपुर नेशनल हाईवे होते हुए बिलासपुर के रास्ते ये कलकत्ता जाने के फिराक में थे। जैसे ही इसकी जानकारी नारायणपुर से बिलासपुर पुलिस को लगी तो तत्काल वहां पर घेराबंदी की गई और जिसके बाद जो टोल नाका है वहां पर इन आरोपियों का पुलिस जो है इंतजार कर रही थी। इस दौरान देखा गया कि जो दो आरोपी है जसप्रीत कौर और एक जो आरोपी है विश्वजीत नाग, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही जो मुख्य आरोपी है मनीष राठौर वो मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। इसके साथ ही इन बदमाशों ने जो टोल प्लाजा है उसका गेट तोड़ते हुए भागने की कोशिश की थी, जिसका अभी वीडियो निकलकर सामने आया है और पुलिस जो है जो फरार आरोपी है मनीष राठौर उसकी तलाश कर रही है। फिलहाल मनीष राठौर के पकड़े जाने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर पूरे घटनाक्रम की वजह क्या थी, क्यों कांग्रेस नेता की हत्या की गई, ये मनीष राठौर के पकड़े जाने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। उधर नारायणपुर में भी विक्रम बैस हत्या के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसकी जानकारी अभी आपको उमेश विस्तार से दे रहे थे। उसी मामले में 6 आरोपी नारायणपुर से गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि जो मनीष राठौर है वो अभी भी फरार है और इसी ने हत्या की सुपारी दी थी। अब तक जो जानकारी मिल रही नारायणपुर से, जेल में शूटर्स से मनीष की मुलाकात हुई थी और इन आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं।
और शिवपुरी से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने पति की हत्या कर दी। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पत्नी समेत 3 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। 6 मई को करवला पुल के नीचे लाश मिली थी। पत्नी ने पति के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। अब इस मामले में खुलासा ये हुआ है कि प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कर दी थी। खबर जबलपुर से, जहां वेयर हाउस में सड़े गेहूं के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया। प्रशासन ने चरगमा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। वेयर हाउस संचालक, समिति प्रबंधक, केंद्र प्रभारी, ऑपरेटर, इन पर एफआईआर दर्ज हुई है। वेयर हाउस मैनेजर को निलंबित भी कर दिया गया है। इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, शुरुआत से लेकर अब तक 4 अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं। राघव वेयर हाउस में जो कार्रवाई चल रही है, राघव वेयर हाउस में चूंकि एक स्टैक में जो है काफी सारा गेहूं नॉन एफएक्यू पाया गया है, इस स्टैक को तोड़ने के बाद जो है रेंडमली तोड़ रहे हैं, मतलब जैसे 10 में 10-10 बोरियाँ निकाल रहे हैं, फिर एक साइड से निकाल रहे हैं, दूसरे साइड से निकाल रहे हैं, उसके आधार पर एक आकलन कर रहे हैं कि कितना गेहूँ ख़राब होने की आशंका है उसमें। तो इसके लिए हमारी टीमें काम कर रही हैं। मीनवाइल जो जिम्मेदार कर्मचारी थे और जो जिम्मेदार लोग थे, उनके खिलाफ़ हमने एक FIR भी दर्ज करा दी है, और जो कर्मचारी लोग हैं उनके खिलाफ़ विभागीय कार्रवाई भी चालू कर दी है। टीकमगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। अलग अलग जाति के कुएं की जो खबर हमने प्रमुखता से दिखाई, अब इस पूरे मामले की पड़ताल होगी। कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर बाकायदा सुजानपुरा गांव में एक जांच टीम पहुंची हुई है जो पड़ताल कर रही है। कलेक्टर ने इस मामले में जांच के निर्देश दिए और उसके बाद सुजानपुरा गांव में एक जांच टीम पहुंची हुई है। तो अलग अलग जाति के अलग अलग कुएं यहां पर थे। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और उसके बाद इसका बड़ा असर, कलेक्टर ने निर्देश दिया, एक टीम बनाई गई आनंद फानंद में और ये टीम सुजानपुरा गांव पहुंची हुई है। ये सबसे बात करेगी, गांव के जो लोग जो पानी का इस्तेमाल करते हैं उनसे बातचीत करेगी, फैक्ट फाइंडिंग की जाएगी, तथ्यों की पड़ताल की जाएगी, आखिरी व्यवस्था कैसे अब तक चल रही थी। एक तरफ आप वो कुएं देख पा रहे हैं जिनको लेकर कल हमने आपको तमाम रिपोर्ट दिखाई हैं, दूसरी तरफ जो अधिकारियों की टीम पहुंची हुई है वो गांव के सभी लोगों से बातचीत कर रही है। इधर श्योपुर में कलेक्ट्रेट में EWS शाखा पर घूसखोरी के आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि 2-2 हजार रुपए लेकर EWS प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। न्यूज 18 ने इसका खुलासा किया है। एक महिला कर्मचारी ने घूस की बात भी मानी है। 2000 रुपए में प्रमाण पत्र बनाने की बात महिला कर्मचारी कहती हुई नजर आती है। 2000 रुपए आज शाम तक करवा दूं तो? 2000 रुपए मैं जा रहा हूँ, फोन बात कर लूंगा मैं आपसे। जब मैं करवा रही ना, इसके सामने मैंने कहा चुप रहे हो, तब भी तुम बोल रहे हो, मैं काम कर रहा हूँ ना। ठीक, करवा दूंगा। दीपक बोला कर लो बाद में, मैं आज ही कर रहा हूँ शाम तक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इधर कटनी में कई बड़े व्यापारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने दबिश दी है। जबलपुर और भोपाल के इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों की टीम ने छापा मारा। 50 कारों से जबलपुर और भोपाल के अधिकारी यहां पहुंचे और दस्तावेजों को खंगालने का काम चल रहा है। इनकम टैक्स की टीम के साथ साथ जो 50 से ज़्यादा कारों से जो टीम पहुँची है उसमें पुलिस जाब्ता यानी पुलिस बल की टीम भी है, वो भी मौजूद है। माना यह जा रहा है कि करोड़ों की कर चोरी का खुलासा यहाँ से हो सकता है। सीहोर में लव जिहाद का मामला सामने आया। आरोपी ने नाम बदलकर हिंदू महिला से दोस्ती की। सुलेमान इसका नाम है। आशु बनकर इसने हिंदू महिला से दोस्ती की, 2 साल तक दुष्कर्म करता रहा। धर्म बदलने का दबाव डालने का आरोप भी इस पर है और इसका जबरन जो नाम है वो जोया रख दिया गया। महिला के बेटे का भी नाम
इस्लामिक पद्धति से रख दिया गया। एक साल बाद महिला वहां से जान बचाकर निकली और अब महिला और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बुधनी थाने में दुष्कर्म और धार्मिक स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत केस दर्ज हो गया। लगभग 3 साल पहले इसकी सुलेमान नामक व्यक्ति से शादी हुई थी, जिसने शुरू में अपना नाम आशु बताया था, जो कि भोपाल का रहने वाला है। उसने अपनी पहचान छुपाकर शालिनी से शादी की थी और उसको जब शालिनी को उसकी असलियत का पता लगा तो वहाँ से जाना चाहती थी, परंतु सुलेमान ने लगातार ही उसे अपनी नज़रबंद करके रखा और कुछ समय पहले वो अपने किसी दोस्त की सहायता से वहाँ से निकलने में कामयाब हुई और उसने थाने आकर रिपोर्ट किए तो जो भी सुसंधक धाराएं हैं उसमें कायम की जाकर कार्रवाई की जाए। इधर खरगोन में किसानों ने अनाज मंडी के सामने प्रदर्शन किया है। कपास का बीज लेने किसान पहुंचे, लंबे इंतजार के बाद उन्हें कह दिया गया कि बीज नहीं है, इससे वो नाराज हो गए। नाराज हुए तो प्रदर्शन शुरू कर दिया, प्रदर्शन शुरू किया तो चक्का जाम लगा दिया। इससे चित्तौड़गढ़ भुसावल रूट पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। किसान बीज की कालाबाजारी का आरोप भी लगा रहे। काकड़े के लिए आए हैं 4 बजे दिन से और यहाँ पे सूचना दे रहे हैं कि आज काकड़े नहीं मिलेंगे। कितने बजे? 9:30 बजे। कि किसान बेवकूफ़ है कि फोकट में लेके जा रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं किसान, और कपास थोड़ा भी खराब निकलता है तो बोलते हैं हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। क्या करें हम, नौकरी वालों को नौकरी का पैसा मिल जाएगा, किसानों को कहाँ से दोगे आप? इधर